अस्सलाम वालेकुम। तो हरम से आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव, अभी 4 बज रहे हैं और मैं जो है हरम में आया क्योंकि हमारे कुछ दोस्त लोग आए थे हरम में उम्रा करने के लिए। तो मैं सोचा चलता हूँ उन लोग से भी मुलाकात हो जाएगी और जो है हरम की जो है एक खूबसूरत वीडियो बना कर जो है मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। तो इसलिए मैं हरम देख सकते हैं, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी जो है भीड़ उतना नहीं है, भीड़ बहुत काफ़ी कम है क्योंकि अभी जो है 1 हफ्ता या तो फिर 10 दिन के बाद जो है रमज़ान आने वाला है, तो उस वक्त इतना काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। तो उसी के लिए कि अभी साफ़ सफाई चल रही है चारों तरफ, आप देख सकते हैं हर कोने कोने पे ये जो है क्लीनिंग वाले लोग जो है हरम को जो साफ़ सफाई रखते हैं सारे तरफ मौजूद हैं और वो लोग सफाई में जुटे हुए हैं। मतलब कि ऐसे तो रोज़ हरम की सफाई होती है लेकिन अभी जो है उस एरिया जो बांट दिया गया है इसमें लेडीज़ का अलग जेंट्स का अलग करके, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपको इसी के अंदर इसी गेट से जाना होता है उम्रा करने के लिए हरम में। और इसके ठीक यहाँ बाजू में आप क्लॉक टावर देख सकते हैं हमारे सामने, ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें आप टाइम देख सकते हैं 4:07 बाकी है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सुबह सुबह हरम से आप देख सकते हैं। और ये हमारे सामने बहुत सारे लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग जो उम्रा कंप्लीट हो गया तो वापस भी आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने 6 नंबर हमाम, मैं आप लोगों को हमाम इसलिए दिखाया WC क्योंकि यहाँ जो है यही पहचान होती है, किसी भी कोने में हर जगह एक एक करके WC बना हुआ है। कोई अगर आपसे मिलने के लिए आता है तो इसी से पहचान होती है, वो बताते हैं मैं 6 नंबर के पास हूँ, मैं 4 नंबर हूँ या तो मैं फिर 3 नंबर हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाया और हमारे सामने अभी जो है देख सकते हैं आप लोग हाजी लोग आ रहे हैं उम्रे करके। बहुत ही प्यारी नज़ारा है। ये देखिए व्हीलचेयर पे भी कुछ लोग जो कि उम्रा नहीं कर सकते हैं चल के, तो उन्हें व्हीलचेयर के द्वारा उम्रा कराया जाता है। यही है एंट्रेंस गेट, मैं चारों तरफ की व्यू आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से।